हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट का 39th लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेकेंड इलस्ट्रेशन स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड हमने नेटवर्क डायग्राम बना लिया था और अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश निकालना सीखा, और उसके बाद हमने इवेंट स्लैक निकाला और क्रिटिकल पाथ निकाला। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे अपन को गैंट चार्ट भी बनाना है, तो अब उस चार्ट को कंटिन्यू करते हैं। कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में आपको ड्यूरेशंस दिए हुए हैं हर एक एक्टिविटी के, ठीक है, और लिखा है एक्टिविटी ए और बी के प्रेडेसेसर्स कोई नहीं है, मतलब एक्टिविटी ए और बी स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से, जीरो से स्टार्ट होंगी कौन कौन सी एक्टिविटी, ए और बी दोनों होंगी। ए को लगेगा 2 दिन, बी को लगेगा 4 दिन, ठीक है। तो देखिए, ये ए को लगा यहाँ से 2 दिन, ठीक है, इसको हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया। ये 2 दिन तक का टाइम लगा ए को, ये ए एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बी एक्टिविटी, बी एक्टिविटी को लगा 4 दिन, तो यहाँ से हमने इसको 4 दिन में डिवाइड कर दिया, इतना टाइम लगा बी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है सी, सी क्यों लगेगा 1 दिन, और सी कब स्टार्ट होगा, जब ए खत्म होगा। देख लीजिए, एक्टिविटी ए सी जो है वो उसका प्रेडेसेसर है ए, मतलब जब ए खत्म होगा तब एक्टिविटी सी स्टार्ट होगा। मतलब ए कब खत्म हो रहा है, 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक्टिविटी सी कब से स्टार्ट होगा, 2रे दिन से स्टार्ट होगा, और ख़त्म कब होगा, 1 दिन बाद, मतलब 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया और सी एक्टिविटी के लिए हमको लगेगा इतना टाइम। ये था हमारा बी और ये है सी। नेक्स्ट देखिए, डी के लिए क्या बोला है, डी का प्रेडेसेसर है बी, मतलब जब बी खत्म होगा तब डी स्टार्ट होगा, और बी के लिए डी के लिए अपन को टाइम लगेगा 2 दिन। तो ये 4 में खत्म हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 4 और 5, 5 और 6, यहाँ तक आपका चलेगा डी, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया और यहाँ पे हमने डी ड्रॉ किया जहाँ पे बी खत्म हुआ। बी 4 में खत्म हुआ, 4 से हमने स्टार्ट किया, 2 दिन लगे डी को खत्म करने में। फिर उसके बाद देखिए, ई के लिए ए और बी दोनों खत्म होने चाहिए, ठीक है। ए और बी दोनों कहाँ खत्म हो रहे हैं, ए और बी दोनों 4 में खत्म हो रहे हैं, तो ई यहीं से स्टार्ट किया जा सकता है और ई में लगेंगे 3 दिन। 3 दिन लगेंगे, मतलब यहाँ से 5, 6, 7 तक लगेंगे। तो हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया यहाँ से हमने ई परफॉर्म किया और ई को लगे 3 दिन, 5, 6, 7 यहाँ पे ई हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एफ है, एफ कब खत्म होगा, सॉरी एफ कब स्टार्ट होगा, जब ई खत्म होगा तब एफ स्टार्ट करना है, और एफ के लिए ड्यूरेशन है हमारे पास 2 दिन। तो ई कब खत्म हो रहा है, 7 में, तो यहाँ से आप एफ को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमने एफ को स्टार्ट किया और एफ खत्म होगा 2 दिन में, दैट इज 9 को। तो यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एफ कंप्लीटेड। आई होप ये क्लियर हुआ हो। यही है गैंट चार्ट्स, ऐसे ही गैंट चार्ट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको बोला है पीक रिक्वायरमेंट मनी फाइंड आउट करना एंड डे ऑन विच इट अकर्स अबव स्केड्यूल। देखिए, हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मनी की पीक रिक्वायरमेंट, मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट कब कब रहेगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एक्टिविटी के लिए 50 रुपये लगेंगे पर डे, बी एक्टिविटी के लिए भी 50, सी के लिए 40, जी के लिए 100, ई के लिए 100 और एफ के लिए 60, इतना लगेगा अगर आप एक एक एक्टिविटीज़ को करते हैं। अगर आप 2 एक्टिविटीज़ एक साथ करते हैं, मतलब आपका क्या होगा, मनी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो कब कब ऐसा होगा, जब जब हम 2 एक्टिविटीज़ को साथ में परफॉर्म करेंगे तब तब ऐसा होगा कि हमारे पास मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। देखिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी हमको साथ में परफॉर्म करनी होगी, उनमें आपका पीक रिक्वायरमेंट मनी अराइज होगा, ठीक है। देखिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, सबसे पहले हमारे पास है
अगर आप देखें तो हमको ए और बी एक्टिविटी जो है साथ में ही परफॉर्म करनी है, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही हो रही हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में है और दोनों एक साथ परफॉर्म हो रही है, इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट होगा जहाँ पे आपका पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी रहेगा। ए एंड बी एक साथ परफॉर्म हो रहा है, ए एंड बी एक साथ परफॉर्म हो रहा है, दोनों का कॉस्ट कितना है, ए का कॉस्ट है 50 पर डे और बी का कॉस्ट है 50 पर डे, तो दोनों का मिला के अब आपका कॉस्ट हो जाएगा 100 पर डे जब आप ए और डी को एक साथ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है बी। बी के लिए देखेंगे अगर आप, तो बी के लिए हमको 4 दिन लगेंगे और ए के लिए लगेंगे 2 दिन, मतलब ए पहले ही ख़त्म हो जाएगा, बी का 2 दिन का टाइम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, मतलब बी किसी और एक्टिविटी के साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है। अब देखिए, ए वाले साइड का हमारा ये कम्प्लीट हो गया, ठीक है, 2 दिन में ये कम्प्लीट हो गया, ये अभी भी चल रहा है, तो इसके साथ हम सी को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो सी को हमने परफॉर्म किया, तो बी एंड सी हमने अब साथ में परफॉर्म किया। बी में लगेगा 50 पर डे, सी में दिया हुआ है आपको 40, तो 40 पर डे यहाँ पे लगेगा, तो टोटल आपको 90 पर डे चार्ज होगा अगर आप बी एंड सी को एक साथ परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या हो सकता है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है हमारे पास एक और ऑप्शन हो सकता है सी को परफॉर्म करने के लिए, सी डी और ई को एक साथ परफॉर्म किया जाए। ठीक है, मतलब ए भी जब ख़त्म हो जाए उसके बाद सी डी और ई को एक साथ परफॉर्म किया जाए। ठीक है, ऐसा करेंगे अगर हम, उस समय क्या चार्ज किया जाएगा, तो सी का हमारा है 40, डी का अगर आप चार्ज देखें तो ये है 100 और ई का भी चार्ज है 100, तो टोटल हो गया ये 240 पर डे चार्ज हो जाएगा अगर हम ये तीनों को साथ में परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट केस देखिए, इसके बाद एक और केस हो सकता है कि पहले ई को परफॉर्म कर लो फिर बाद में सी डी और एफ को एक साथ परफॉर्म कर लो। ठीक है, तो अगर हम सी डी और एफ को एक साथ परफॉर्म करते हैं तो उस केस में 40 प्लस 100 प्लस 60 दैट इज 200 रुपीज़ पर डे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सी के ऑप्शन है कि सी को हम ऐसे ऐसे करके परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, डी के लिए भी ऑप्शन है कि डी और ई को एक साथ परफॉर्म करें या फिर डी और एफ को एक साथ परफॉर्म करें। ठीक है, डी और ई को या फिर डी और एफ को, तो हम ये लिख लेते हैं, फिफ्थ में डी और ई को हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं या फिर डी और एफ को हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डी का चार्ज है 100 रुपीज एंड ई का भी है 100, और डी और एफ का है 100 प्लस 60, यहाँ पे टोटल 200 पर डे हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 160 पर डे हो जाएगा। इसके बाद आप सी एंड एफ को परफॉर्म कर सकते हैं, देखिए सी एंड एफ को हम साथ में परफॉर्म करते हैं अगर, तो उस केस में ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको बस चेक करना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम साथ में परफॉर्म कर रहे हैं और उससे कितना कितना चार्ज निकल रहा है। ठीक है, सी एंड ई को हम एक साथ परफॉर्म करते हैं तो ये अमाउंट आपका आएगा 140 रुपीज़ पर डे। ठीक है, तो हमारे पास सी को परफॉर्म करने के लिए कितने ऑप्शन है, देखिए सी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, तो इनमें से आप वाला ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें सी में सबसे कम चार्ज लग रहा है। एक ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, सी के लिए, तो इन सब में देखिए हमारे पास सबसे कम चार्ज इसमें लग रहा है, बी एंड सी वाले में, तो हम कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे, बी एंड सी वाला। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, डी को परफॉर्म करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ये चारों में से सबसे कम किस में लग रहा है, डी एंड एफ को जब हम एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ 160, तो ये वाला आप परफॉर्म कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप ई को परफॉर्म कर लीजिए अलग से, फिर उसके बाद आप एफ को परफॉर्म कर लीजिए। ठीक है, एफ को हम डी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या बन गया, देखिए सबसे फर्स्ट हम साइमल्टेनियस में ए एंड बी को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम बी एंड सी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम डी एंड एफ परफॉर्म करेंगे और ई को हम अलग से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हों। उससे आपका निकल जाएगा पीक रिक्वायरमेंट्स, मैं इसको आपको अलग से लिख देती हूँ। फर्स्ट हम परफॉर्म करेंगे ए एंड बी, दिन में चार्ज लगेगा 100 पर डे, फिर हम परफॉर्म करेंगे बी एंड सी, दिन में चार्ज लगेगा 90 पर डे, फिर हम परफॉर्म करेंगे
ई, क्योंकि ई पहले परफॉर्म करना पड़ेगा आपको डी एंड एफ परफॉर्म करने के लिए, तो ई के ई का चार्ज है 100 रुपीस। फिर हम परफॉर्म करेंगे डी एंड एफ जिनका चार्ज है 160 पर डे, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी सारी एक्टिविटीज ए बी सी डी ई एंड एफ पूरी परफॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा पीक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूरा हमने जो अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश निकाला है, वही सेम चीज़ अब हमको इस क्वेश्चन में करनी है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए, अ प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग टाइम स्केड्यूल, आपको एक्टिविटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है मंथ्स में, कंस्ट्रक्ट करना है आपको PERT नेटवर्क एंड कंप्यूट कीजिए क्रिटिकल पाथ और उसका ड्यूरेशन, टोटल फ्लोट फाइंड कीजिए हर एक एक्टिविटी के लिए, इसके साथ साथ आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्रेन्स फाइंड आउट करना है, द प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के लिए जितने चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है, एक्टिविटीज 2, 5, 3, 7, 8, 9 के लिए फाइंड आउट करना है विथआउट डीलिंग द प्रोजेक्ट, देयर इज देन अ चेंज रिक्वायर्ड इन द PERT नेटवर्क, आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्रेन्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नेटवर्क फॉर्म करते हैं इस एक्टिविटी और ड्यूरेशन के लिए। ये जो डायग्राम है दैट इज नेटवर्क है, मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ ताकि हमको जगह मिल जाए अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, एक्टिविटी है 1, 2, मतलब 1 से स्टार्ट करना है आपको, ये पॉइंट है हमारा 1, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, आपको एक पॉइंट पे जाना है 2 पे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है 1, 3, मतलब 1 से स्टार्ट करो और एक बनाओ 3। इसके बाद है 1, 4, 1 से ही स्टार्ट करो और एक बनाओ 4, ठीक है। इसके बाद बोला है 2, 5, मतलब 2 से स्टार्ट करके हमको 5 बनाना है, तो हमने यहाँ से लिया और 5 फॉर्म कर दिया। 3 से आपको बनाना है 6, 3, 6। नेक्स्ट 3 से ही आपको 7 भी बनाना है, 3 से ही हमने एक बना लिया 7। इसके बाद बोल रहा है 4 से बनाओ 6, मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा, 4 से हमको 6 करना है, तो हम यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 कर देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। देखें अगर यहाँ पे हम 7 कर दें, यहाँ पे 6 कर दें, तो हम ये 4 और 6 को भी ऐड कर सकते हैं, 4 से भी हमने बना लिया 6, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है 5 से बनाओ 8, तो 5 से हमने बनाया 8। नेक्स्ट इसके बाद 6 से 9 बन गया, और 7 से 8, तो 7 को भी हमने यहाँ जोड़ दिया। उसके बाद आपको 8 से 9 बनाना है, तो 8 और 9 को ऐड अप कर दीजिए, ये आपका बन गया नेटवर्क। आई होप ये क्लियर हुआ हो, इजी था, इसमें सारी चीज़ें आपको एक्टिविटी 1, 2 करके दिया हुआ था, इसलिए ये ज़्यादा क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हमारे पास जो ड्यूरेशंस दिए हुए हैं उन ड्यूरेशंस को हम लिख लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले ड्यूरेशन क्या क्या दिया हुआ है, 1, 2 के बीच का टाइम है 2, नेक्स्ट 1, 3 के बीच का टाइम है 2, 1, 4 के बीच का टाइम है 1, 2, 5 का है 4, 3, 6 का टाइम है 8, 3, 7 का है 5, 4, 6 का आपको दिया हुआ है 3, नेक्स्ट 5, 8 का हमको दिया हुआ है 1, 6, 9 का हमको दिया हुआ है 5, 7, 8 का दिया हुआ है 4, और 8, 9 का है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये ड्यूरेशंस हमको मिल गए। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश। अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश को हम शो कहाँ करते हैं, बॉक्स में शो करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में अर्लीस्ट फिनिश शो करते हैं, उसके बाद हम लेटेस्ट फिनिश, ठीक है। तो ये हम बॉक्स तैयार कर लेते हैं, सारे जो भी आपके नोट्स है वहां पे आप ये नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है उसमें 0 होती है वैल्यूज, हमको पता है ये, ठीक है। तो हमने ये 0 ले लिया दोनों,
अब अर्लीस्ट फिनिश हम निकालते हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, दैट इज 9 पॉइंट तक. अर्लीस्ट फिनिश ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अर्लीस्ट फिनिश निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, अर्लीस्ट फिनिश आई मैक्स में रहता है आपका, ठीक है. फिर हम लेते हैं अर्लीस्ट फिनिश ऑफ, अर्लीस्ट फिनिश ऑफ आई माई प्लस डी आई जे, ठीक है. मतलब पहले वाले का स्टार्टिंग एक्टिविटी का आप ले लो अर्लीस्ट फिनिश प्लस कर दो ड्यूरेशन, ठीक है. तो स्टार्टिंग एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश है 0, प्लस 2 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2. ई एफ 2 निकालने के लिए 0 प्लस 2 किया हमने. ई एफ 3 निकालने के लिए आपको यहाँ पे भी सेम चीज करना पड़ेगा, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट ई एफ 4 निकालने के लिए हमारे पास है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो यहाँ पे वैल्यू आई 2, यहाँ पे 2 और यहाँ 1, ठीक है. इसके बाद हमारे पास 5 नंबर में आता है, तो ई एफ 5 हम निकालेंगे. ई एफ 5 निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश ले लीजिए और उसके बाद जो ड्यूरेशन है बीच में वो ले लीजिए, इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. तो 6 वैल्यू यहाँ पे आ गई. फिर हमको निकालना है ई एफ 6. ई एफ 6 निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि दो एरो इसके पास आ रहे हैं, पहला तो 3 6, दूसरा है 4 6, ठीक है. अगर 3 6 से देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 आएगी वैल्यू. अगर 4 6 से देखें तो यहाँ पे है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आएगी वैल्यू. ये वैल्यू किससे आई है, 2 प्लस 8 वाली वैल्यू आई है 3 6 से, और 1 प्लस 3 वाली वैल्यू आई है 4 6 से, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 10 है, इसलिए हम यहाँ पे 10 लिखेंगे. नेक्स्ट आता है 7, ई एफ 7. यहाँ पे एक ही एरो, मतलब एक ही एक्टिविटी आ रही है, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 7 आ गई. फिर आता है ई एफ 8. ई एफ 8 निकालने के भी हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला 5 8, फिर दूसरा है 7 8, ठीक है. तो अगर 5 8 वाले से देखें तो 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 6 प्लस 1 7, और अगर 7 8 से देखें तो 7 प्लस 4 11, 7 प्लस 4 11. दोनों में से मैक्सिमम कौन सा, 11 है, इसलिए वाला लेंगे हम. ये वाली वैल्यू आई है 5 8 से, और ये वाली वैल्यू आई है 7 8 से, हमने लिया 11. नेक्स्ट आता है 9, ई एफ 9. इसको भी निकालने के हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 8 से 9, दूसरा ऑप्शन 6 से 9, ठीक है. 8 से 9 में देखें तो 11 प्लस 3 आएगा 14, 11 प्लस 3 14, और अगर आप 6 से 9 देखें तो 10 प्लस 5 15 आएगा, 10 प्लस 5 15, ठीक है. दोनों में से मैक्सिमम 15 है, इसलिए यहाँ वैल्यू 15 आएगी, और ये 15 आया 6 9 से, और 14 आया 8 9 से, ठीक है. ये निकल गए हमारे सारे अर्लीस्ट फिनिश. अब हमको निकालना है लेटेस्ट फिनिश, तो लेटेस्ट फिनिश हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. लेटेस्ट फिनिश निकालने के लिए फॉर्मूला है, जे मिनिमम आपको लेना है, ई एफ जे माइनस करेंगे आप डी आई जे से, ठीक है, दैट इज ड्यूरेशन से. तो आपको जो लास्ट वाला हमारा रहता है नोट, उसका जो वैल्यू अगर यहाँ 15 है तो उसका लेटेस्ट फिनिश भी क्या रहेगा, 15 ही रहेगा, ठीक है, मतलब सेम रहता है ये. अब आते हैं हम इसको जस्ट उल्टा सॉल्व करते हैं. अब एल एफ 8 में आए हैं हम. एल एफ 8 निकालने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्लीस्ट फिनिश ऑफ जे लेना है. अर्लीस्ट फिनिश ऑफ जे क्या है, 15 है, माइनस ड्यूरेशन कितना है 3, इज इक्वल टू वैल्यू आई 12. एल एफ 7 निकालने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, है ना. तो यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हम लिख लेते हैं 12. अब 12 माइनस करेंगे हम 4, इज इक्वल टू वैल्यू आएगी ये 8. नेक्स्ट है एल एफ 6. एल एफ 6 निकालने के लिए 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है. इसके लिए भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10. 10 हमने यहाँ पुट किया. इसके बाद आता है 7 वाला हो गया है ना. फिर आएगा एल एफ 5. 5 में हमारे पास
एक ही ऑप्शन है यहाँ से पीछे आने का, 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। फिर आता है LF4, 4 के लिए देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 10 माइनस 3 दैट इज 7, ठीक है। नेक्स्ट आएगा LF3, 3 के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अगर आप 3, 6 वाले में देखें तो 10 माइनस 8 2 आएगा यहाँ पे, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। और आप अगर यहाँ पे देखें तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। दोनों में से मिनिमम क्या है, 2 है, इसलिए वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। और ये कहाँ से आया, ये वाला वैल्यू आया, 2 वाला वैल्यू आया हमारा 6, 3, 6 वाले से, और 3 वाली वैल्यू आई है हमारी 7, 8, 7, 3 वाले से, 3 और 7 वाले से, ठीक है। नेक्स्ट है LF2, LF2 के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 5 की वैल्यू क्या आई थी, 11, ठीक है। तो 11 माइनस 4 दैट इज 7, 11 माइनस 4 दैट इज 7 यहाँ की वैल्यू होगी। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास LF1, 4 भी हमने निकाल दिया है। 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए हमारे पास ऑप्शंस देखिए, 2 माइनस 2 0 होगा, या तो 7 माइनस 2 5 होगा। हम लिख लेते हैं सबको, 2 माइनस 2 0, ये कहाँ से आया, 1 और 3 वाले से, 7 माइनस 2 5, ये कहाँ से आया, 1, 2 से। नेक्स्ट 7 माइनस 1 6, ये कहाँ से आया, 1, 4 से। और यहाँ पे हम मिनिमम लेते हैं इसलिए 0 मिनिमम है, इसलिए 0 वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब ये अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश को हमको रिकॉर्ड करना है, तो अब हम इनको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एक्टिविटी और ड्यूरेशन हमको दिया हुआ था, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश हमने निकाल लिया है। 1, 2 का अर्लीस्ट फिनिश देखिए, तो 1, 2 मतलब, 1, 2 मतलब यहाँ का आपको अर्लीस्ट फिनिश देखना है, ठीक है। अर्लीस्ट फिनिश कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। नेक्स्ट 1, 3 का अर्लीस्ट फिनिश देखिए, 1, 3 का अर्लीस्ट फिनिश है 2, ठीक है। 1, 3 का अर्लीस्ट फिनिश है 2, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट 1, 4 में अर्लीस्ट फिनिश क्या दिया हुआ है, 1, 4 मतलब EF4 आपको देखना है, उसके वैल्यू क्या है, 1, तो 1 आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 2, 5 मीन्स अर्लीस्ट फिनिश ऑफ 5 आपको देखना है, जो कि है 6, तो 6 वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट 3, 6 यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश कितना है, 10 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 वाले में हमारे पास दो ऑप्शन है, 10 और 4, आपको कौन सा वाला देखना है, 3, 6 वाला देखना है, जो कि है 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 10। नेक्स्ट है 3, 7 दैट इज EF7 आपको देखना है, EF7 में वैल्यू है 7, तो 7 हमने इसको यहाँ पुट किया। नेक्स्ट इसके बाद है 4, 6 ये वाली वैल्यू है, 4, 6 मतलब 6 वाला देखना है, 6 वाले में दो ऑप्शन है, 3, 6, 4, 6, कौन सा वाला लिखना है, 4, 6 वाला दैट इज 4, तो 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट है 5, 8 मतलब EF8 हमको देखना है, EF8 में दो ऑप्शन है, 5, 8, 7, 8, कौन सा वाला देखना है, 5, 8 वाला, वैल्यू क्या है, 7, तो 7 यहाँ पे पुट करेंगे हम। नेक्स्ट है 6, 9 मतलब EF9, EF9 में 8, 9 है, 6, 9 है, कौन सा लेंगे, 6, 9 वाला, वैल्यू है 15। नेक्स्ट है 7, 8 मतलब EF8 यहाँ पे है, 7, 8 वैल्यू है 11। नेक्स्ट 8, 9 में ये वाली वैल्यू हमको लेनी है, दैट इज 14। अब हमको LF को रिकॉर्ड करना है। LF के लिए अब देखिए, LF में हमको यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं हम, 1, 2 का कौन सा वाला वैल्यू लेना है, लास्ट वाला दैट इज 7 यहाँ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है 1, 3 में क्या है, 2 है। 1, 4 में क्या है, 7। नेक्स्ट है 2, 5 में क्या है, 11। नेक्स्ट 3, 6 में क्या है, 10। 3, 7 में क्या है, 8। 4, 6 में क्या है, 4, 6 में हमारे पास है 10।
5 8 में है 12, 6 9 में है 15, 7 8 में है 12 एंड लास्ट 8 9 में है 15 15 हमने ये वैल्यू पुट कर दी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हों, ये हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है। अब इससे हमको अर्लीस्ट स्टार्ट निकालना है, तो अर्लीस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन करेंगे तो आपको अर्लीस्ट स्टार्ट मिल जाएगा। 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 1 माइनस 1 0 6 माइनस 4 2 10 माइनस 8 2 7 माइनस 5 2 4 माइनस 3 1 7 माइनस 1 6 15 माइनस 5 10 11 माइनस 4 7 14 माइनस 3 11 7 माइनस 2 5 2 माइनस 2 0 7 माइनस 1 6 11 माइनस 4 7 10 माइनस 8 2 8 माइनस 5 3 10 माइनस 3 7 12 माइनस 1 11 15 माइनस 5 10 12 माइनस 4 8 एंड 15 माइनस 3 12। ठीक है, तो हमने अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट भी निकाल लिया। अब हमको निकालना है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट होता क्या है? टोटल फ्लोट मतलब, देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है आपके लिए, टोटल फ्लोट एक ऐसा अमाउंट ऑफ टाइम है दैट द कम्प्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कम्प्लीशन टाइम। प्रोजेक्ट कम्प्लीशन टाइम को बिना अफेक्ट किए अगर एक्टिविटी का कम्प्लीशन टाइम डिले किया जा सकता है तो उसको हम टोटल फ्लोट बोलते हैं, कि कितने टाइम पीरियड तक हम उसको डिले कर सकते हैं। टोटल फ्लोट निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूला है, दैट इज लेटेस्ट स्टार्ट प्लस अर्लीस्ट स्टार्ट या फिर लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। तो ईजी कौन सा है आपके हिसाब से? आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट प्लस अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। 5 + 0 इज इक्वल टू 5, 0, 6 + 0 इज 6, 7 + 2 9, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 7 + 1 8, 11 + 6 दैट इज 17। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश हम यहाँ पे करेंगे। जहाँ पे देखिए 7 - 2 5 आएगा, 2 - 2 0, 7 - 1 6, 11 - 6 करेंगे यहाँ पे वैल्यू आएगी 5, 10 - 10 0, 8 - 7 1, 10 - 4 6, 12 - 7 5, 15 - 15 0, 12 - 11 1 एंड 15 - 14 1। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आएंगी। टोटल फ्लोट में हम यहाँ पे फॉर्मूला अपना चेंज कर लेते हैं। टोटल फ्लोट का हमारा फॉर्मूला क्या है? और लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिसमें एक्टिविटीज दिए हुए हैं और उसके इमीडिएट प्रेडेसेसर्स दिए हुए हैं। एक्टिविटी सॉरी सक्सेसर हैं, पी का सक्सेसर रहेगा आर, क्यू का सक्सेसर रहेगा एस। तो सबसे पहले हमको पी और क्यू परफॉर्म करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये हमने परफॉर्म किया पी, ये हमने परफॉर्म किया क्यू। ठीक है, इसके बाद बोला है पी का सक्सेसर है आर, पी का सक्सेसर है आर और क्यू का सक्सेसर है एस। और इसके बाद बोला गया है आर और एस का सक्सेसर है टी, तो टी हमने परफॉर्म किया और ये हो गया कंप्लीट। तो यही इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपको सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए बोला था, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हों, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो और अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश कैसे निकालना है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।